दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कई सारे सुपरस्टार प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस बार के मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने रिटेंशन का गजब का रूल क्रिएट किया है, जिस वजह से कई सारे स्टार प्लेयर्स को मजबूरन उनकी फ्रेंचाइजी को रिलीज करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस साल के ऑक्शन में कई सारे दिग्गज प्लेयर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऑक्शन में तीन सबसे ज्यादा डिमांड होने वाले प्लेयर का लिस्ट और उनका प्रेडिक्टेड प्राइस और आईपीएल टीम का नाम बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के रिटेंशन का लिस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन में तीन सबसे ज्यादा डिमांड होने वाले प्लेयर का लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है रोहित शर्मा का, और कई सारे क्रिकेट रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई की टीम रोहित शर्मा को रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा खुद मुंबई इंडियंस में रिटेन नहीं होना चाहते। तो इस वजह से जब रोहित शर्मा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे तो इस बड़े प्लेयर को आरसीबी की टीम खरीदना चाहेगी, और ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में एबी डिविलियर्स ने भी बताया था कि यदि रोहित शर्मा आरसीबी में आएंगे तो आरसीबी को बहुत ही बड़ा यहां पे बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही मोहम्मद कैफ ने भी बताया था कि आरसीबी टीम को ऑक्शन में रोहित शर्मा के ऊपर बोली लगाना चाहिए। तो इस वजह से हम सभी को उम्मीद है कि यदि रोहित शर्मा ऑक्शन का पार्ट बने तो वो आरसीबी में आए और आप लोगों को रोहित और कोहली का जोड़ी एक बार फिर से आईपीएल में देखने को मिल जाए। और इसके लिए आरसीबी की टीम रोहित शर्मा के ऊपर 20 करोड़ तक ऑक्शन में बिडिंग कर सकती है। इसके बाद दूसरे प्लेयर फिलहाल नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस से रिलीज हो जाए तो हार्दिक पांड्या का डिमांड होगा पंजाब जैसी टीमों में, क्योंकि पंजाब को नए कप्तान का तलाश है। तो इस वजह से पंजाब की टीम हार्दिक पांड्या के ऊपर ऑक्शन में बोली लगाएगी और पांड्या को कप्तानी भी मिल जाएगा, तो पंजाब हाईली चांस है कि पांड्या को खरीद। और इस लिस्ट के तीसरे और बहुत ही बड़े प्लेयर होने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल। आप सभी को याद है कि ग्लेन मैक्सवेल हमेशा ऑक्शन में आते हैं तो 10 करोड़ से ऊपर में ही बिकते हैं। तो इस साल भी यदि ग्लेन मैक्सवेल ऑक्शन में आएंगे, जो कि काफी हद तक यहां पे कंफर्म हो गया है कि मैक्सवेल ऑक्शन में आएंगे, तो मैक्सवेल को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीदना चाहेगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बढ़िया ऑलराउंडर की तलाश है। तो इस वजह से चेन्नई मैक्सवेल को खरीदना चाहेगी। मैक्सवेल स्पिन बॉलिंग भी करके देने में सक्षम है, तो इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैक्सवेल के ऊपर ऑक्शन में अच्छा खासा बोली लगाएगी। 15 करोड़ तक रुपया चेन्नई की टीम मैक्सवेल के ऊपर लगा सकती है। तो ये था तीन सबसे ज्यादा डिमांड होने वाले प्लेयर का लिस्ट जो कि इस साल के ऑक्शन में रहने वाले हैं। आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।